गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रिक्पिया ब्लॉग। अभी सुबह के बज चुका है 9:30 और अभी से स्टार्ट होता है आज का हमारा ब्लॉग। तो सब लोगों को मैंने बोल के रखा था कि पूजा के टाइम पे मैं रिक के घर जाऊंगी, तो आज था मेरा वो ट्रेन का टिकट। एक्चुअली क्या है कि और हाँ आज है लास्ट, मतलब नवमी बोलूँ या फिर अष्टमी बोलूँ, ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है। ऐसे ही इस बार पूजा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा था कि नवमी के डे पे मैं जाऊंगी, वहाँ पे नवमी दशमी रुक के फिर लौट के आऊंगी। लेकिन इस बार भी मतलब इतना ज़्यादा टिकट मिलने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने 2 दिन से टिकट करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा नसीब इतना ख़राब था। और जो भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भगवान क्या चाहता है, तो भगवान इस बार मेरा साथ नहीं दिया। एक्चुअली मेरा इस बार टिकट ही नहीं हुआ कि मैं जाऊंगी उसके घर पे, तो इस वजह से जा नहीं पाई। और मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैंने सारा कुछ पैकिंग वैकिंग सब कुछ करके रखा था, अभी तक खुला भी नहीं है कुछ। तो अभी क्या बोलूँ, तो इस वजह से इस बार रिक के साथ मेरा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट मैं नहीं कर पाई। तो और कुछ है भी नहीं, और रिंकी के रूम पे ही हूँ। तो चलो आज का दिन कैसे क्या सेलिब्रेट करती हूँ दिखाती हूँ। और मैंने सोचा था इस बार मतलब सब कुछ सही होगा तो रिंकी के साथ ही मैं अंजलि दूंगी, लेकिन इस बार भी हुआ नहीं। तो रिंकी के साथ मैंने सोचा था जाऊंगी, लेकिन इस बार रात को पड़े हैं तो क्या जाऊँ, तो इस बार भी हमने हो नहीं पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिंकी अभी बना रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या है चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। आज हमारे ब्रेकफास्ट में है ये परोठा और खीर। मैंने एक परोठा लिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे उतना हेवी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी खीर खाए तो हेवी हो गया। और यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और कल रात को तो आने में बहुत ज़्यादा देर हो गया था, तो सोते सोते 3:30 बज गए थे, और ऐसे गुबलू भी रुके थे मतलब सो नहीं रहा था, और आज सुबह से ऐसे पड़ पड़ के सो रहा है। तो इसको देख के ना हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। जो रिंकी ने बोला वीडियो करो वीडियो करो, वीडियो के चक्कर में हमें वॉइस दे रही थी, तो गुबलू उठ गए। तो देखो इसको मैं कब से बोल रही कि उठ जा, हमें रेडी भी होना है, कौन सुने मेरे बात, सोया नींद सोया है बस अभी। कैमरा देखा तो स्टार्ट हो गया इसका ड्रामा, और ये रियल में सो रहा है क्योंकि इसका ना थोड़ा सा तबीयत खराब है, बुखार आ गया। फिर भी इसको घूमने जाने की बहुत मन है, एक बार अगर बोल दूं कि नहीं जाएगी मुँह ऐसा हो जाएगी। ओय उठ ओय, जाबी ना घूटते, चल ठीक है सर। और गाइज आज हम दोपहर में बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाए थे, चिकन पुलाव साथ में खीर बना था कल, वो सारा कुछ मिलकर अच्छा खाना खाया था। लेकिन उस टाइम पे ना मेरा वीडियो बनाने की मतलब याद ही नहीं था, कुछ दिन से ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर रही थी, तो ऐसा हो गया कि माइंड में ही नहीं होता। अभी जब मैं वीडियो बना रही मतलब खाना हो गया उसके बाद रिंकी ने बोला कि वीडियो ही नहीं बनाया यार, तो मुझे याद आया। और आज सारा कुछ मैंने बनाया था क्योंकि इस मैडम जी को छुट्टी दे दिया, इनको ना मैडम जी को ना अच्छा नहीं लगता खाना वाना पकाने में, और वो चीज़ मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बना दिया। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज का मेरा आउटफिट कुछ ऐसा था, और मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से साड़ी या फिर मतलब कुर्ती वगैरह कुछ पहनने की मूड ही नहीं हुआ, बस सिंपल सा गए और घूम के आए। और ये बस चीज़ है कि अपने प्यार के साथ अगर पूजा घूमे ऐसा कुछ किया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूजा का टाइम एक साथ हम रह ही नहीं पाते। ये हम आके पहले पूजा देखा, ये था एक मतलब एक टाइम का जमींदार का घर है, ये है चौधरी बाड़ी ऐसा ही कुछ है। तो ये जगह का पूजा देख के बहुत अच्छा लगा, और हम उतना आज नहीं घूमे, बस थोड़ा सा ही घूम के आ गए थे, लास्ट डे नवमी दिन था। तो चलो हम लोग कहाँ कहाँ गए आप लोग देख लो। ये लोग कहाँ छूट गए, फोटो शूट कर रहे हैं, और मैं आगे चले गए, मैं देखा ही नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा ये पैंडल। आगामी
खुशी सर्वत्र दे लगलो दोला काशे बोने हिमेल सरोतने। चार पूजा देखते देखते हालत खराब हो गई और कोलकाता का भीड़ देखते तो पूजा का जो पैंडल होता है वो देखने का जो भीड़ होता है, हम जैसे लोग होते हैं ना कोलकाता में पूजा में भीड़ ही नहीं होता, ये तो बार बार बोल रहे कि चल घर चलते हैं। और वो एक उसका भी तो और भी लग रहा है कि क्यों आया हम पूजा देखने, लेकिन हाँ बहुत मतलब कम ही इस बार पूजा देखे और अभी एक दो देख के रूम पे जाएंगे। ये वाला भी पूजा अच्छा है, चलो दिखा देता है। फाइनली घूमते घूमते आज 12:30 बज चुके, मतलब 1:15 बज चुके हैं, 12:30 भी नहीं, तो सारा दुकान ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। कुछ रेस्टोरेंट पे तो खाना भी नहीं था, तो हमको एक भैया मिल गए, यहाँ पे बस मोमो और फ्राइड चीज मिला था और इनकी को फ्राइड चीज खाना नहीं था तो मोमो लिया, ठीक ठाक सा था। रात का हम तीनों आ रहे हैं, एक तो आगे चले गए बाकी हम दोनों जा रहे हैं, तो चलो अभी जल्दी से घर पे चलते हैं। और क्या बोलूँ, तो और कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, जान आते टाइम हम रुमाली रोटी वगैरह लेके आए हैं, बस उससे डिनर करेंगे, चिकन तो है ही। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगेगा मेरे पे ज़रूर बताना। बाय बाय।